सो मैं गई थी रिसेंटली बापू बाज़ार, जिसका वीडियो आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा, आई होप सो। तो वहीं से मैं कुछ आइटम्स परचेज करके लाई हूँ, तो मैं वही इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि उनके प्राइजेस क्या है, मैंने कहाँ से परचेज़ किया है, उसकी क्वालिटी कैसी निकली है और आप लोगों को कैसा लगता है। इनकेस अगर आपको कुछ ख़रीदना हो या फिर आपका माइंड सेट हो जयपुर शॉपिंग से रिलेटेड, तो आप उसे देख सकते हैं एंड इन्जॉय कर सकते हैं इस वीडियो को। फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट वन है ये रेड कलर का शॉर्ट कुर्ती, जिसकी स्लीव्स 3/4 लेंथ की है। कपड़ा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, कॉटन के अंदर फैब्रिक है, कलर भी धोने के बाद नहीं गया है, पर धोने के बाद हल्का सा ये सिकुड़ चुका है। इसका पहला वॉश मैं कर चुकी हूँ और काफ़ी बार पहन चुकी हूँ। इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी हो चुकी है धुलने के बाद में, कपड़ा क्वालिटी काफ़ी अच्छी मुझे लगी। इसकी प्राइस 250 रुपीज़ है, जो कि मैंने बापू बाज़ार के एक होलसेल शॉप से ली थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपने वो शॉप ज़रूर देखी होगी। देन सेकेंड मैंने ये कुर्ता सेम शॉप से लिया है, इसका कलर वाइट कलर है, कपड़ा क्वालिटी सेम कॉटन है, बट इसकी लेंथ नहीं कम हुई है, सिकुड़ा नहीं है। एंड कपड़ा क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी प्यारा, बहुत पतला सा कपड़ा है, गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी, पसीना बिल्कुल सूख जाएगा, धोने के बाद का कलर बिल्कुल नहीं गया है। प्राइस सेम 250 रुपीज़ है इसकी। एंड देन नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है ये थोड़ा सा एथनिक और हैवी ड्रेस ली है, बिकॉज मुझे एक फंक्शन में जाना है, दैट्स वाई। ये एक शरारा के ऊपर एक फ्रॉक काइंड ऑफ कुर्ती है, जिसे आप दोनों को अलग तरीके से भी पहन सकते हो। गोटा पत्ती का बहुत ही प्यारा सा काम करा हुआ है, साइड में पॉम्पॉम सी एक लेस दी हुई है। देन मैंने परचेज की कुछ ज्वेलरी, जिसके अंदर ये बैंगल्स दो का सेट लिया मैंने। दोनों की प्राइस आई थिंक 180 है, मुझे दोनों पड़ गए, दिखने में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इसके साथ में बीच में मैं कुछ वेयर करती हूँ तो अच्छा लगेगा। एंड देन सेकंड मैंने परचेज़ किए ईयरिंग्स, तो ये ईयरिंग काफ़ी प्यारी मुझे लग रही थी, 100 रुपीज़ के अंदर ही मुझे पड़ी है एंड आप देख ही रहे होंगे कि कैसी लग रही है। एंड देन मैंने परचेज़ करी है कोल्हापुरी चप्पल। आई नो जयपुर से जूती खरीदनी चाहिए थी, बट ठीक है, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। इसकी क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है, मैंने काफ़ी बार पहन लिया है। 200 रुपीज़ का प्राइस है एंड इसकी क्वालिटी आप चेक कर ही पा रहे होंगे। तो यप, तो यही सब चीज़ें मैंने खरीदी मेरे एक छोटे से मिनी हॉल के अंदर। लगे हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और जुड़ जाइएगा हमारे साथ।